3 घंटे का स्लॉट है 8 से 11 बजे तक का, मतलब 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, 11 बजे तक ये डिनर बुफे लगा रहता है। तो मतलब 3 घंटे का स्लॉट, अनलिमिटेड खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम इमरान तू और दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूँ मेहरान होटल में। यहाँ पे सबसे बड़ा डिनर बुफे लगा हुआ है और आपका भाई इंजॉय करने आ गया है यहाँ पर डिनर बुफे, और आप लोगों के साथ शेयर भी करेगा। बहुत सारी वेराइटीज़ है भाई इनके पास, मटन के बहुत सारे आइटम है, बारबेक्यू में बहुत सारे आइटम है, तो बहुत सारी डिशेज़ हैं। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगा और डिटेल भी बताऊँगा कि पर हेड कितना है, टाइमिंग क्या है, सारी डिटेल भी मिलेगी वीडियो में, तो वीडियो के साथ जुड़े रहेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। भाई इनका जो डाइनिंग एरिया है ना वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है भाई, तो चलें इसको एक्सप्लोर करें, आ जाएं। ये है भाई मेहरान होटल और बाहर से तो बहुत ही लग्जरी लग रहा है भाई, ये देखिएगा। बस अंदर चलते हैं और इनका डाइनिंग एरिया आप लोगों को दिखाते हैं भाई। अच्छा जी भाई, रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग इंटर हो रहे हैं, ये देखिएगा भाई, रेस्टोरेंट के अंदर इंटर हो गए और ये देखिएगा। वालेकुम सलाम। होते साथ ही यहाँ पे ये मनाजिर देखने को मिलेंगे, ये देखिए एक्वेरियम भी रखा हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। रिसेप्शन सामने और यहाँ पे वेटिंग एरिया है ये इनका, ठीक है। उसके अलावा ये रिसेप्शन आ गया, ठीक है। और अच्छा, जो डिनर बुफे है ना वो बेसिकली लगा हुआ है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, तो चल के आपको दिखाते हैं वहाँ का एम्बियंस। ये है भाई इनका डाइनिंग एरिया, ये देखिएगा, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनका डाइनिंग एरिया है, ये देखिएगा, ये देखिएगा भाई, ये इनका डाइनिंग एरिया है भाई, ये वाह भाई वाह। तो मुझे लगता है इस तरफ शायद ये जो है कोई फंक्शन है, शादी है या कोई इवेंट है, उसका यहाँ पे तैयारी हो रही है। गुब्बारे लगे हुए मेरे ख्याल से बर्थडे है, बर्थडे का सेटअप है वो सर। यहाँ पे हम लोग भी बैठ के इंजॉय करते हैं, बस जल्दी से 8 बजे लग जाएगा सेटअप, 5 मिनट रह गए आप लोगों को, तब तक डिशे दिखा देते हैं कौन कौन सी डिशेज़ हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर लगा हुआ है वो डिनर बुफे, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। शुरू में तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सैलेड बार है, ठीक है, काफ़ी सारी सैलेड की वैरायटीज़ हैं, साथ में ये देखिएगा सॉसेस भी हैं, चटनी भी है, ये देखिएगा काफ़ी सारी वैरायटीज़ है भाई। ये काफ़ी बड़ा है तकरीबन, सैलेड बार भी अच्छा खासा बड़ा है। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा सलाद मराद सारी चीज़ें रखी हैं, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये आ गई रशियन सैलेड, वाओ। उसके अलावा मेन कोर्स की तरफ हम लोग आ जाते हैं भाई, मेन कोर्स में क्या लगा हुआ है वो दिखा देते हैं भाई। ये पहले तो आ गई भाई चिकन बिरयानी, ठीक है। उसके अलावा ये आ गया मटन कढ़ाई, ये देखिएगा भाई, ये वाह मटन कढ़ाई आ गई। ये आ गई चिकन कैरी, सही है। उसके अलावा आ गया दम कीमा, बीफ का है ये दम कीमा, ठीक है, बीफ दम कीमा आ गया। उसके अलावा ये आ गई चिकन हलीम, ठीक है, ये देखिएगा भाई चिकन हलीम आ गई। उसके अलावा यहाँ पे आ गई दाल माश और मिक्स वेजिटेबल, सही है। उसके अलावा यहाँ पे कचौरी आ गई, उसकी तरकारी आ गई, उसके अलावा पूरी आ गई और ये हलवा आ गया, बारबेक्यू पास्ता, ये तो मैं आप ट्राई करूँगा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट लग रहा है बारबेक्यू पास्ता। उसके अलावा यहाँ पर आ गए ये शाशलिक है ना, और ये आ गया बटर राइस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ सूप आ गया, ठीक है, स्वीट कॉर्न सूप है। उसके अलावा यहाँ पे भाई ये कटाकट बन रहा है, ओए होए वाह यार, ये देखिए वाह भाई वाह, ओए होए, तो कटाकट खाने वाले शौकीन है वो भी खुश हो जाए भाई, लाइव कटाकट यहाँ बन रहा है ज़बरदस्त का भाई। ये देखिएगा ये बन रहे हैं इनके चपली कबाब, वाह भाई वाह वाह ज़बरदस्त बेहतरीन, ठीक है। किसके हैं ये चपली कबाब? बीफ के हैं, बीफ के चपली कबाब हैं। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे और क्या है मज़ीद। ओए ओए तंदूरी फिश, वाओ बहुत ही आउटस्टैंडिंग ज़बरदस्त। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर है भाई बीफ अगवानी कबाब, ये देखिएगा बीफ अगवानी कबाब आ गए, ज़बरदस्त है यार, बहुत ही आला। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो चिकन बटर चीज़ कबाब है ये भाई, बटर चीज़ कबाब ज़बरदस्त से हो गए।
उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अभी लाइव तैयार हो रहे हैं भाई, ये देखिएगा भाई बारबेक्यू यहाँ पे लाइव तैयार हो रहा होता है वीआईपी सा, और यहीं पे सर्व हो रहा होता है। अभी एक और वैरायटीज है वो भी आनी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आ गई भाई, वाह भाई वाह, ये आ गई भाई चिकन सज्जी बेहतरीन सी। उसके अलावा ये आ गया भाई चिकन बिहारी बोटी, वाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग। अच्छा भाई आप लोगों को मेन कोर्स तो दिखा दिया, अब दिखा देते हैं भाई इनका डेजर्ट बार। वाह ये आ गए भाई कस्टर्ड खीर, और ये भी कोई कस्टर्ड जैसा ही लग रहा है कुछ, और ये आ गया भाई शीर खुरमा, ये पता नहीं क्या है हॉट गुलाब जामुन, ओए होए। उसके अलावा यहाँ पे जेली और बहुत कुछ, पुडिंग, बहुत सारी वैरायटीज हैं डेजर्ट बार में, तो आप लोगों ने भी आके यहाँ इंजॉय करना है। देख सकते हैं आप लोग वो जेलीज भी हैं, ठीक है बच्चों के लिए, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे इस तरह, तो काफ़ी कुछ है भाई स्वीट डिशेस में, ठीक है। उसके अलावा ये क्रॉकरी आ गई इनकी। अच्छा भाई चाय का भी फुल इंतज़ाम है इनके पास, सही है लाइव चाय का सेटअप है भाई, लेकिन खुद आके बनानी है आपने। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई इनका डाइनिंग एरिया मुझे बहुत पसंद आया, सबसे अच्छी चीज़ लगी कि इनका डाइनिंग एरिया बहुत अच्छा है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। खैर अब सारी डिशेस तो मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, अब बस स्टार्ट होने वाला है तकरीबन 5 मिनट, बस 8 बज गए, 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे ही स्टार्ट होता है तो इसका टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और फिर इसकी डिटेल भी बताते हैं, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो फाइनली गाइस पूरा विज़िट तो मैंने आप लोगों को करा दिया, अब रिव्यू की बारी है। रिव्यू में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मटन कढ़ाई ले ली, ये पिज़्ज़ा ले लिया पास्ता पिज़्ज़ा जो था, बारबेक्यू में काफ़ी सारी वैरायटी थी, सज्जी ले ली और ये टिक्का बोटी ले ली, उसके अलावा बिरयानी ले ली इनकी, और ये आ गई फ़िश। लेट्स ट्राई, पहले इनकी ये ट्राई करते हैं भाई, ओए ओए पास्ता चीज़ की लेयर देखें, ओए ओए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, धोबें देख रहे हैं आप, वाकई मज़ेदार, स्पाइसी थी और टेस्टी। ये देखिए क्या ज़बरदस्त सब्जी हो रही है यार, टेस्टी यार, चिकन बोटी है बेसिकली। बहुत ही ज़बरदस्त यार, बहुत ही अच्छा जायका है, मसाले बहुत अच्छे से मैनेज हुए हुए हैं, रोटी बहुत ज़्यादा टेंडर है, बहुत ही आला जायका, बहुत अच्छा है, जायके में बहुत अच्छी है, पसंद आई है भाई मुझे। खैर इसके अलावा मैं ट्राई करता हूँ इनकी बिरयानी, बिरयानी थोड़ी सी इनकी अच्छी लग रही है क्योंकि ये मेरे टाइप की लग रही है, थोड़ी सादी सी है क्योंकि आपके भाई को थोड़ा सादा खाना पसंद है ना। ये भाई बिरयानी ले लेते हैं, थोड़ा सा रायता भी है, ये रायता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार बिरयानी मेरे टाइप की है, ज़्यादा मसाले वाली नहीं है, स्पाइसी नहीं है, सही है, तो मेरे टाइप की है। इनकी मटन कढ़ाई थोड़ी ट्राई कर लेते हैं, मटन कढ़ाई देख सकते हैं आप लोग, ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो भाई मुझसे अब रहा नहीं जा रहा भाई, मैं तो अपना डिनर एंजॉय कर रहा हूँ, फिर आप लोगों से मिलेंगे, फिर आपको डिटेल बताएंगे। यहाँ पे लाइव कवाली और म्यूजिक का भी इंतजाम हुआ हुआ है। तो फाइनली गाइस ये मेरा विजिट था भाई मेहरान होटल का, मुझे तो बहुत मज़ा आया, आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगा, आप लोगों ने भी आना है इंजॉय करना है। इसकी डिटेल मैं बता देता हूँ, 2500 रुपये पर हेड है, ठीक है, पर पर्सन 2500 रुपये, ठीक है, जिसमें 50+ आइटम है यहाँ पर और बहुत ही लग्जरी आइटम है, बहुत सारी लग्जरी डिशेज भी आप लोग मैंने दिखा दी ऑलरेडी। तो 2500 रुपये में आप लोग एक अच्छे होटल में आके खाना इन्जॉय कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड, ठीक है। अच्छा जी मैं आप लोगों को एक मेन बात तो बताना भूल गया, बाय वन गेट वन की, भाई बाय वन गेट वन लगा हुआ है मेहरान होटल में, वो भी डिनर बुफे में। बोगो ऐप आप लोगों ने डाउनलोड करनी है तो उसमें आप लोगों को एक ऑफ़र मिलेगी बाय वन गेट वन की डिनर बुफे में, तो आप लोगों ने उससे भी फ़ायदा उठाना है। एडिट पे बैठा हुआ था देख रहा था तो मैंने कहा यार ये वाला लिंक तो मैंने लिया नहीं, मेन चीज़ तो मैंने बताई नहीं, तो तभी मैंने यहाँ पर घर पर आकर रिकॉर्ड करके आप लोगों को बता रहा हूँ, तो फ़ायदा उठाना है बोगो ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। 3 घंटे का स्लॉट है 8 से 11 बजे तक का, मतलब 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, 11 बजे तक ये डिनर बुफे लगा रहता है, तो मतलब 3 घंटे का स्लॉट, अनलिमिटेड खाना, 2500 रुपये में लग्जरी डाइनिंग एरिया, तो और क्या चाहिए आप लोगों को, पहुँच जाओ। अच्छा मैं एक और बात बताता हूँ, 4 साल से जो कम के बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है, 4 साल से जो बड़े बच्चे हैं 10 साल तक के उनके हाफ चार्जेस हैं। तो मुझे तो मज़ा आया, रेकमेंड करता हूँ आप लोग भी आइएगा, इन्जॉय कीजिएगा। खैर
अब और भी इस तरह की वीडियोस आएंगी तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें, जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अब आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।